तो दोस्तों IEX यानी कि इंडियन एनर्जी एक्सचेंज ने अपने क्वार्टर वन के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर वन के नंबर्स के अंदर। डाटाबेस के लिए लाख्स में दिया गया, मैं आपको तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 121 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू, पिछले साल 104 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ गए 123 करोड़ कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको जाता हुआ देखने को। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर लगभग 19% के आसपास की तेजी आपको देखने वाली। वहीं अगर क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर क्वार्टर भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर लगभग 2% के आसपास का जंप है। तो क्वार्टर क्वार्टर साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर तेजी आपको देखने को मिल रही। मैं आपको बता दूं कंपनी ने शो कितना किया, 123 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू कंपनी ने इस क्वार्टर में शो किया, जबकि मार्केट का अनुमान था कि इस क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू 126 करोड़ के आसपास आता हुआ देख लो। तो मार्केट का अनुमान से देखें तो लगभग 1.5% कम आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के खर्चे क्या वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी लगभग 22 करोड़ खर्च करती थी, पिछले साल 28 करोड़, अभी देखें तो कंपनी खर्चे 30 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिले। तो कंपनी खर्चे भी देखें तो कंपनी खर्चे ऑन एन एवरेज कंट्रोल में ही देखने को मिले। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी 96.5 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट में थी, पिछले साल लगभग बोल सकते हैं 76 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट, जबकि अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट लगभग 96.5 करोड़ के आसपास आपको देखने को। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक अच्छी खासी तेजी है, लगभग बोल सकते हैं 30% के आसपास का जंप है साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर। लेकिन क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर क्वार्टर कंपनी का जो प्रॉफिट है ऑलमोस्ट फ्लैट आपको देखने को मिला है। मैं आपको बता दूं कंपनी ने शो कितना किया है, 96.5 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट कंपनी ने इस क्वार्टर में शो किया है, जबकि मार्केट का अनुमान था कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 93 करोड़ के आसपास आता हुआ देखने को मिला। तो मार्केट के अनुमान से देखें तो कंपनी का प्रॉफिट आपको बेहतर देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का EPS क्या है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में 1.09 रुपये का EPS था, पिछले साल 85 पैसे, अभी देखें तो 1.08 रुपये के आसपास आपको देखने को मिला। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो मेरे हिसाब से कंपनी के जो नंबर है वो आप मतलब रेवेन्यू वाइज देखें तो रेवेन्यू वाइज मार्केट के जो नंबर है साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर आपको बढ़ते हुए देखने को मिला, मार्केट का जो अनुमान था उससे हल्का सा कम आपको देखने को मिला। लेकिन प्रॉफिट की बात करते हैं तो साल दर साल कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा है, क्वार्टर क्वार्टर कंपनी का प्रॉफिट फ्लैट है, और मार्केट का जो अनुमान था कंपनी के प्रॉफिट को लेकर उससे थोड़ा सा बेहतर कंपनी का प्रॉफिट देखने को मिला। तो ओवरऑल देखें तो थोड़े से मिक्स टाइप के नंबर है, आप पॉजिटिव साइड पर ही मान सकते हैं इस नंबर को। तो देखते हैं मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। चलिए बस आज के लिए बस इतना ही, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।